मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शन धारी हो, और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से एक गैस सब्सिडी योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इस 450 रुपए के गैस सिलेंडर के लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे और कहां से आपको आवेदन भरना होगा, इस सब की जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं उषेश सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीए पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लाडली बहनों के लिए एक और खुशखबरी, 1 सितंबर से रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 450 रुपए में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से इस तरह की घोषणा की गई है। योजना का शुभारंभ भी 15 सितंबर 2023 से कर दिया गया है। यहां बताया गया है कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र है। तो पात्रता में ऐसी बहनों को पात्रता होगी जो पूर्व से गैस कनेक्शन धारी है, यानी कि आप लाडली बहना योजना का लाभ भी ले रहे हो, आपके पास यहां पर गैस का कनेक्शन भी हो, या आपके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन हो, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीयन कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल पर पंजीयन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पंजीयन आप स्वयं जाकर नहीं करेंगे। यहाँ पर जहाँ से आपने लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे थे, वहीं पर जाकर जो है आप पंजीयन करवाएंगे। यहाँ पंजीयन करवाते समय केवल 2 दस्तावेज आपको यहाँ पर लगेंगे, जिसमें कि LPG कनेक्शन का ID और एक समग्र ID आपको यहाँ पर देना होगा। पंजीयन उन सभी केंद्रों पर होगा जहाँ से लाडली बहना योजना का पंजीयन होता है, वहीं से जो है आपके लिए 450 रुपए का गैस सिलेंडर वाली योजना के लिए भी आवेदन होंगे, इसके लिए भी पंजीयन होंगे। गवर्नमेंट की ओर से जो ऑयल कंपनियां होती है, पात्र बहनों की जानकारी प्राप्त की जाएगी और 25 सितंबर को पात्र बहनों की लिस्ट यहां पर जारी की जाएगी। आइए इस योजना के बारे में और सुनते हैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। मेरी प्रिय लाडली बहनों, प्रणाम। आशा है रक्षाबंधन का पर्व आपने बहुत उत्साह से मनाया होगा। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्यौहार मनाया था, और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपये में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है, वो भी आपको 450 रुपये में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शन धारी हो, और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल 2 जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, एक LPG कनेक्शन ID और दूसरी समग्र ID। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में, और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे, उन्हीं केंद्रों पर पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविधा होगी। बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है,
कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े, इसके लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम एक गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया की तरह होगा। यदि भविष्य में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की राशि की पूर्ति राज्य सरकार करेगी। आओ मेरी लाडली बहनों, इस योजना का लाभ उठाओ और अपने जीवन को और खुशियों से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से यदि आप भी मध्य प्रदेश में आई 450 रुपए वाली गैस सिलेंडर योजना का लाभ यहां पर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25 सितंबर को इसकी लिस्ट आने वाली है, इससे पहले पहले आपको जो है आवेदन कर लेना चाहिए। और आवेदन आपको वहीं से करना है जहां से आपने लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म भरे थे। यदि आपके पास पहले से कोई गैस कनेक्शन है या आपके पास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन है तो आप जो है इस योजना के लिए पात्र है। आप जो है जाकर अपना आवेदन भरिए। आवेदन भरते समय जो गैस कनेक्शन की जो डायरी होती है, जिस कंपनी का आपके पास गैस सिलेंडर है उसके ओर से आपको जो है एक डायरी मिली होगी, उस डायरी में से गैस कनेक्शन का नंबर और आपकी समग्र आईडी, ये दो ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और जहां से आपने लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे थे वहीं से जो है आप इस 450 रुपए वाली गैस सिलेंडर योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉई खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।